आदिवासी जन परिषद के प्रतिनिधिमंडल, आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम साहिब मुंडा, आजम्बर मुंडा, उमेश लोहरा, चंद्रशेखर सिंह मुंडा, राहे सोना हातू प्रखंड के अंतर्गत पंचायत नवाडी मौजा ईचा हातू में आदिवासियों का खुटकट्टी जमीन को हड़पने मामले को लेकर दौरा किया और ईचा हातू में आदिवासी समाज के साथ बैठक भी की। लगभग 17 एकड़ के इस जमीन को परमानंद साहू, राधाकृष्ण साहू पिता स्वर्गीय गोपाल साहू के द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया है। यह आदिवासी जमीन खुटकट्टी है। आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम साहिब मुंडा ने आदिवासियों की हड़पी हुई जमीन के मामले पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि बुंडू तमाड़, सोना हातू, राहे सिल्ली में आदिवासियों की खुटकट्टी जमीन हड़पी जा रही है। हेमंत सरकार से मांग करते हैं कि टास्क फोर्स बनाकर दखल दाहिनी का काम करे, अन्यथा आदिवासी जन परिषद आदिवासी समाज के जमीन को अपने स्तर से दखल दाहिनी कराएगी। इस मामले को लेकर के विधानसभा कमेटी में भी मांग पत्र सौंपेगी। एक प्रतिनिधि मंडल रांची के उपायुक्त और बुंडू अनुमंडल पदाधिकारी से मुलाकात करेगी। आदिवासी समाज ने निर्णय लिया है कि जमीन और आदिवासी धर्म के मुद्दे को लेकर के पतरातू मैदान में व्यापक बैठक की रणनीति तय की जा रही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको देश विदेश में हो रही सारी घटनाओं से अवगत करा सकें। आदिवासी जन परिषद के प्रतिनिधि मंडल राहे प्रखंड के अंतर्गत ईचा हातू में हम लोग आए हुए हैं। इसमें खाता है 91 51 खाता, 91 खाता, जिसमें 17 एकड़ जमीन को जो है यहाँ के गैर आदिवासी लोग, भूमाफिया लोग, जमीन को कब्जा किया गया है और उसकी कागज़ भी नहीं, एक दो कागज़ बनवा लिया है और जबकि इस क्षेत्र में डांगगाड़ी भी किया गया है, इसके बावजूद भी यहाँ पर कब्जा किया जा रहा है। इसी को लेकर के हम लोग आए हैं और यह मांग हम लोग डीसी के समक्ष रखेंगे, मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे और विधानसभा कमेटी है जो जमीन को वापस करती है उस कमेटी को रखेंगे और अविलंब इस क्षेत्र में धर्म और जमीन बचाने के लिए एक व्यापक आंदोलन के रूप के लिए एक महासम्मेलन भी हम लोग करेंगे। मैं प्रेम साहिब मुंडा, अध्यक्ष आदिवासी जन परिषद।